नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो चौराहों पर गप्पे हांकना भी नियम का उल्लंघन। कोविड 19 संक्रमण के मद्देनजर राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान किसी भी समय लोगों के एक साथ जमा होने की अनुमति नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। कहा गया है कि दिन के 4 बजे के पहले भी चौक, चौराहों या सड़क पर खड़े होकर गप्पे हांकना भी नियमों का उल्लंघन है। उपायुक्तों को बिना वजह घर से बाहर निकलने और लोगों के एकत्रित होने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेस्टोरेंट, बैंकवेट व बस परिवहन को अनुमति दे सरकार। चेंबर पूर्व और पश्चिम सिंहभूम सहित सभी जिलों में अनलॉक में मौजूद छूट के दायरे को बढ़ाते हुए शॉपिंग मॉल सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दिए जाने का झारखंड चेंबर ने स्वागत किया है। साथ ही जो है रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल एवं बस परिवहनों को भी इस छूट में शामिल करने का आग्रह किया गया है। चेंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल एवं बस परिवहन को भी सुरक्षा मापदंडों के पालन के निर्देश के साथ ही इसे आरंभ करने की अनुमति दी जाए। आग्रह किया गया है कि प्रदेश में रेस्टोरेंट को 50% जो है ऑक्यूपेंसी के साथ संचालन करने और बैंकवेट हॉल को 50 से 100 की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति पर विचार किया जाना चाहिए। तो आपके क्या सुझाव हैं कि अनलॉक 3 में भी बसों के परिचालन को बंद करने का निर्णय लिया गया है, यह सही है या फिर सरकार को बस परिचालन को खोल देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे पुल से नीचे गिरने से युवक की मौत। रेलवे ट्रैक पार कर मशरूम चुनने जा रहा था युवक, ट्रेन को आता देख कूदा 30 फीट नीचे। चाईबासा के मनोहरपुर व घाघरा स्टेशन के बीच रेलवे थर्ड लाइन पर स्थित पुल से गिरकर नंदपुर गांव के दाऊद टोला निवासी वंदना कुजूर उर्फ कालिया कुजूर 35 वर्ष की मौत हो गई है। युवक ट्रैक पार मशरूम चुनने जा रहा था और उसी दौरान सामने से ट्रेन आ गई। युवक ने हड़बड़ी में 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे कूद गया, इससे उसकी जो है मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस सब को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करेगी 5 सदस्यीय कमेटी, जाने कब तक हो सकता है इस पर फैसला। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में 2 क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक, 2 शिक्षक एवं 1 जैक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग से करेगी। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग रिजल्ट की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेगी। जैक द्वारा इस सप्ताह के अंत तक परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर ली जाएगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य भर में मिले 184 नए संक्रमित, 4 की हुई मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में 184 कोरोना संक्रमित मिले हैं, 4 मरीजों की मौत हुई है। राज्य के 3 जिलों चतरा, देवघर और पाकुड़ में 1 भी मरीज नहीं मिले हैं, जबकि 14 जिलों में 10 से भी कम मरीज मिले हैं। रांची में सिर्फ 9 मरीज मिले हैं। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2646 पर रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में खुट्टी, रांची और पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा में 1-1 मरीजों की मौत हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट विस्तार से पहले दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं से होगी मुलाकात। झारखंड में कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां पर वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में 1 पद रिक्त है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में वे कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह समेत अन्य जो है वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बोर्ड और निगमों के गठन को लेकर भी कांग्रेस जो आलाकमान से बातचीत संभावित है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकल का दौरा शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाना भक्तों को कोरोना टीका देने का निर्देश। राज्य के टाना भक्तों को कैंप लगाकर कोरोना टीका दिया जाएगा। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर इसकी व्यवस्था करने को कहा था। अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी डीसी को पत्र भेजकर टाना भक्तों को चिन्हित कर उन्हें नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका दिलाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। राज्य में दिव्यांगों को कोरोना का टीका देने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो अब दुमका मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी, अडानी के सहयोग से लग रहा है प्लांट। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए वन्य मरीजों को अब ऑक्सीजन के लिए किसी भी जिले पर निर्भर रहना नहीं होगा। दुमका ने अब ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अडानी के सहयोग से जून के अंत तक ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने की उम्मीद है। मंगलवार को ही प्लांट का अधिकांश सामान गुजरात से दुमका पहुंच गया है और दो ट्रांसफार्मर भी लग के तैयार है। प्लांट के चालू होने से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी 300 बेड पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो घाटशिला में मानसून का असर, लगातार मूसलाधार बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ा, किनारे के 15 घरों में घुसा पानी, गुड़ा बांधा में डायवर्सन बहा। घाटशिला थाना अंतर्गत जो है राम अकबाल पाइप कॉलोनी में जो है बटाई जोड़ नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे रह रहे लोगों को मंगलवार रात से ही काफ़ी परेशान होना पड़ा है। करीब जो है 15 घरों में नदी का पानी घुस गया है, इससे खाने पीने के साथ घर में रखा सामान बर्बाद हो गया है। दरअसल नदी पर रेलवे पुल निर्माण के दौरान मिट्टी डाल पानी के बहाव को कम किया गया था। मंगलवार से जारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा है और किनारे को पार कर करीब 200 फीट दूर घरों में जा घुसा है। वहीं जो गुड़ा बांधा में भारी बारिश की वजह से डायवर्सन बह गया है। इधर प्रशासन ने बुधवार को तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से मिट्टी को कम कर नदी के बहाव को ठीक किया है। इसके बाद घरों से जमा पानी बाहर निकला है। इधर घाटशिला के गुड़ा बांधा से कोयमा जाने वाली मुख्य सड़क पर नूतनडी गांव के पास बना डायवर्सन बह गया है। इससे जो है इस रूट पर आवागमन बाधित हो गया है। 5 साल पहले यहां पुल निर्माण को लेकर डायवर्सन बनाया गया था जो लगातार भारी बारिश की वजह से बह गया है। इससे जो है 40 गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो पढ़ाई के लिए पूर्व शिक्षक व युवाओं की मदद ले सचिव। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राजेश शर्मा ने कहा है कि जब तक विद्यालय में पठन पाठन शुरू नहीं होता है तब तक बच्चों की पढ़ाई के लिए स्थानीय स्तर पर पढ़े लिखे युवक व सेवा निर्मित शिक्षक शिक्षकों की मदद ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर मोहल्ला क्लास का भी आयोजन किया जाएगा। उक्त बातें शिक्षा सचिव ने दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ आयोजित वेबिनार कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जो है परिदृश्य में बच्चों के पठन पाठन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका काफी अहम है। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो मानव तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, साहेबगंज में ग्रामीणों ने तीर गुलेल और पत्थर से पुलिस पर किया हमला, जीप को किया क्षतिग्रस्त, जान बचाकर पैदल ही भागी पुलिस। रांगा थाना क्षेत्र के तिलभिट्टा गांव में मानव तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने जो तीर गुलेल पत्थर समेत अन्य जो पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पुलिस पर हमला बोल दिया। घटना मंगलवार रात की है। इस दौरान ग्रामीणों ने जो ईंट पत्थर से पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस को अपना वाहन छोड़कर पैदल ही वहां से जो है भागना पड़ा। कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है। अतिरिक्त संख्या में पुलिस के आने की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने जो पत्थर रखकर सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीणों का इस बात को लेकर विरोध है कि रात के समय पुलिस गांव में क्यों प्रवेश की है। वही ग्रामीण ग्रुप बनाकर सड़क पर बैठे हुए हैं। SDPO PK मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस फिर से गांव में जाने की तैयारी कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।